हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर स्टॉक वॉच एपिसोड सीरीज। और आज हम बात करेंगे और एक स्टॉक के बारे में, और जो ये वीक का स्टॉक रहेगा वो रहेगा JSW स्टील। F&O सेगमेंट से रहेगा ये काउंटर, और बहुत ही अच्छा सा एक प्लेस पे अभी दिख रहा है, सो उसका हम डिटेल में एनालिसिस देखेंगे। उससे पहले लास्ट वीक में जो हमने जयंत एग्रो का स्टॉक देखा था, सो समवेयर हियर एंड ओपन गैप के साथ हुआ नीचे, अभी भी मौका दिया था उसने एंड अगेन वेंट अप। सो यहाँ पे अभी भी टारगेट स्टिल बाकी है, सो वेट करेंगे 270 के लिए। पॉसिबल है कि ये एक दो दिन में और अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है आने वाले टाइम में। सो अगर आपके पास है तो नीचे के स्टॉप लॉस से सिंपली होल्ड करिए उसको, एंड बहुत ही अच्छा साइज में मोमेंटम दिख सकता है। सो वी स्टिल इंटैक्ट जयंत एग्रो के अंदर, व्यू अभी भी सेम बना हुआ है विथ सेम लेवल्स। आज का जो स्टॉक है JSW स्टील, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं स्टॉक वॉच सीरीज के, वो जरूर देखिए। आपको प्लेलिस्ट के अंदर अलग से मिल जाएगा स्टॉक वॉच सीरीज करके। पुराने वीडियोस में से भी आप काफी अच्छे से एनालिसिस सीख पाओगे बेसिक्स टूल को सीख के, तो वो भी आप जरूर देखिए टाइम निकाल के। सो JSW स्टील में हमने देखा कि डेली चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और हमने देखा है कि जो कंसल्टेशन में यहाँ पे वॉल्यूम्स आर नॉट दैट मच पावरफुल, सो देखेंगे कि ये सपोर्ट होल्ड करके ये ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है नहीं दे रहा है, तो उस हिसाब से व्यू बनाएंगे, लेवल्स हम डिफाइन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मंथली चार्ट से। सो मंथली चार्ट में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिखा था 424 के पास, और एक ही मंथ के अंदर अप्रैल में हमने इसमें 53% का मूव देखा था। उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा है कंटिन्यूसली, एंड राइट नाउ RSI इज ऑल्सो टैगिंग डाउन और अबोव 60 एटलीस्ट, सो विच इज अ वेरी गुड साइन, वेरी बुलिश साइन। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में हमने यहाँ पे देखा एग्जैक्टली टॉप बना के नीचे आया मार्केट, और अभी ये सपोर्ट जोन है वहाँ पे वो होल्ड कर रहा है, सो वेरी पावरफुल। अगर मैं इसमें फिब लेवल यूज करता हूँ, सो 23% का प्राइस का रिजेक्शन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 677 के जोन के पास। और RSI टेकिंग सपोर्ट नियर 60 जोन, अबव 60 जोन, विच इज एक्सट्रीमली बुलिश, एक्सट्रीमली बुलिश, ठीक है। जब तक ये स्विंग का सपोर्ट होल्ड है, हम मान के चलेंगे कि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा, ठीक है। ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया इसने, इसके नीचे क्लोजिंग दिखा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, हमारा ये जो सपोर्ट है, मतलब ये जो पैटर्न ब्रेकआउट मिलेगा हमको नीचे के साइड पे, तो थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकता है, पर जब तक सपोर्ट होल्ड है वी हैव अ स्टिल व्यू इट विल गो अप, एंड क्योंकि अप ट्रेंडेड स्टॉक है, काफी टाइम से बड़ा रैली किया, अभी उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर यहाँ पे भी मैं देखूँ तो इट हैज फॉर्मिंग अ वेरी नाइस बेस हियर, बहुत ही अच्छा सा बेस बना के ये चल रहा है यहाँ पे ये सपोर्ट जोन के पास। आपने देखा यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट किया हुआ है, एक दो तीन यहाँ पे भी कंटिन्यूसली सपोर्ट ये होल्ड कर रहा है। सो अगर हम लेवल्स की बात करें तो मैंने जोन मार्क किया, एग्जैक्ट लेवल मार्क नहीं किया, एंड हमेशा सप्लाई और डिमांड क्या होता है कि एक जोन होता है, एक लेवल निकालना बहुत मुश्किल है। अगर हमने समझो यहाँ पे एक लेवल निकाल दिया तो वो तुरंत ब्रेक करके फिर से ऊपर आ जाएगा, तो हम स्टॉप आउट हो जाएंगे। इससे अच्छा है जोन फाइंड करिए, तो 670 से लेके 640-650, मतलब ये 30 से 40 पॉइंट का बैंड है, वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। 670 से 640 की बात करें, 30 पॉइंट का ये बैंड है, जोन है, वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है और यहाँ से हमको एक अच्छा सा मोमेंटम मिल सकता है। तो अगर हम मेटल इंडेक्स की भी बात करें, निफ्टी में अगर मेटल इंडेक्स की बात करें, तो वहाँ पे भी आपने देखा ये सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया मार्केट, तुरंत ऊपर गया, और यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट होल्ड कर रहा है, RSI 40 होल्ड कर रहा है, एंड राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग अबोव द इम्पोर्टेंट एरिया, जो एरिया प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट कहा जाता है, बट इसके नीचे डिप करके तुरंत ऊपर आया, मतलब ये काउंटर में अभी भी स्ट्रेंथ है, ये सेक्टर के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है, उससे पता चलता है। एंड दैट इज द रीजन JSW स्टील हमारा एक शॉर्ट लिस्ट था इस बार, और वैसा सेम यहाँ पे भी सपोर्ट के पास है। अगर मेटल स्टॉक्स, मेटल्स काउंटर के अंदर, सेक्टर के अंदर मोमेंटम दिखेगा, मतलब और स्टॉक्स में भी, पीयर स्टॉक्स में मोमेंटम दिखेगा,
डेफिनेटली जेएसडब्ल्यू स्टील में भी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, आरएसआई नियर 40 सपोर्ट टैगिंग राइट नाउ, इट इज चेंजिंग द रेंज शिफ्ट यहाँ पे दिख रहा है, टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू अबव 40 विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बुलिश सिग्नल। यहाँ पे इनसाइड पैटर्न भी फॉर्म किया, उसका अपसाइड ब्रेकआउट मदर कैंडल का भी दिख रहा है, दैट इज अगेन वेरी गुड स्ट्रेंथ एंड शोइंग गुड मोमेंट पॉसिबल मोमेंटम इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। इसका थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं और मैं नीचे का जो जोन था उसको निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा सा एक इसने ब्रेकआउट करा हुआ है यहाँ पे, सो पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखा या फिर साइडवेज जा सकता है या फिर थोड़ा बहुत नीचे ये जो ब्रेकआउट है उसको रिटेस्ट करके फिर से एक बड़ा रैली दे। सो ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है विद गुड वॉल्यूम्स एंड पॉसिबल हो, ऐसा हो सकता है जो लग रहा है उस हिसाब से कि थोड़ा बहुत ऊपर जाकर अगर नीचे मुझे मिलेगा रिटेस्ट करके फिर से ये अच्छा रैली आने वाले टाइम में हमको दिखा सकता है। सो दिस इज द होल एनालिसिस अबाउट जेएसडब्ल्यू स्टील, ठीक है, और इसमें आरएसआई 40-60 के बीच में अभी कंसोलिडेट कर रहा है, सो काफी टाइम से कर रहा है, सो एक ब्रेकआउट भी एक्सपेक्टेड है इन आरएसआई अबाउट 60, ठीक है। सो नाउ लेट मी मार्क द लेवल्स फॉर जेएसडब्ल्यू स्टील। आप इसमें कोई भी नीचे गिरावट दिखती है, 690 अभी का लास्ट दिख रहा है प्राइस, अगर लास्ट देखें हम सो इट इज अराउंड 690.90, ठीक है, तो 690 के प्राइस पे अगर आपको नहीं मिलता और थोड़ा बहुत नीचे मिलता है 670-675 के पास तो उसमें एंट्री करिए, बहुत ही अच्छा बेहतरीन लेवल रहेगा वो, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे ये जो स्विंग है उसके नीचे लगाएंगे अपन स्टॉप लॉस, ठीक है, ये स्विंग के पास स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके नीचे अगर जाता है तो हम वी विल एग्जिट द पोजीशन, थोड़ा सा गिरावट होगा तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंड प्रोबेबल टारगेट एरिया कौन सा लेंगे इसमें, सबसे पहला तो ये वाला जो गैप है वहाँ पे, और अगर ये गैप फिल करता है तो ऊपर में 734 तक के लेवल्स भी दिखा सकते हैं, तो 720-734-735 इज द टू टारगेट्स फॉर JSW स्टील इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज टू वीक। स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे 660 का लगाएंगे इस या इसके पास, क्योंकि हम यहाँ पे जो ये जो लो फॉर्म हुआ पैनिक लो है और यहाँ पे भी सपोर्ट है तो ये ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट है, 660 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। नीचे अगर गिरावट मिलती है 670-690 में कहीं पे भी एंट्री मिला 20-30 पॉइंट के अंदर हम एंट्री करेंगे और वेट करेंगे आने वाले कुछ टाइम में ये अगर 720 और 735 तक के लेवल दिखा सकते। So this is the whole analysis about JSW Steel, which is our stock for the next week. हो सकता है next week में ये target ना मिले, but उसको हमारा जो view है वो still intact ही रहेगा जब तक हमारा levels break नहीं करता, या तो target level hit करता है या फिर stop loss hit करता है। So इस हिसाब से हम चलते हैं और हम stock को hold करके भी रखते हैं। So I hope you learn something new out of this analysis. कुछ तो नया सीखने को मिलेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या सीखने को मिला है। आशा रखता हूँ कि आने वाले टाइम में हम और अच्छे वीडियोस लाएंगे और आप भी उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कोई और वीडियो में, गुड बाय एवरीवन।